भाई आज का टॉपिक है अपना त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का यूज क्या होता है टॉपिक में क्यों आए। देखो गणित की एक प्रकार से ये भाग है, ये अपन कह सकते हैं शाखा है, और इसमें देखो तीन प्रकार के शब्दों से मिलकर बना होते हैं। तो ट्रिग, एक गॉन, और यहाँ पे आता है मैट्रॉन। क्या आता है? मैट्रॉन। ट्रिग का मतलब होता है तीन, कितना? तीन। और गौन का मतलब होता है भुजा। क्या होगा? भुजा। और मैट्रॉन लिखा रहता है यहाँ पर, क्या? मैट्रॉन। ये इसका मतलब क्या होता है? माप होता है। मतलब अपन त्रिकोणमिति में एक ट्राइंगल पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, और उनकी तीनों भुजाओं को पढ़ने वाले हैं। मतलब तीन भुजाओं का माप देखेंगे। इससे पहले अगर बात करें, अपन प्राचीन काल की बात करें त्रिकोणमिति की, कौन से काल की? प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, मैथमेटिक्स हुआ करते थे, इसके माध्यम से पृथ्वी और जो इसके ग्रह है ना, उनके बीच डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते थे। ऐसे आर्यभट्ट, आपने नाम सुना होगा, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले साइन का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? साइन। साइन के बारे में सबसे प्रथम जानकारी बात करें तो कहाँ मिलता है वो? आर्यभट्ट। सुना है नाम? कौन थे आर्यभट्ट? कौन थे भारतीय? तो भाई आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले किसका प्रयोग किया? साइन का। ये साइन क्या होता है? अब साइन क्या होता है, साइन के बारे में देख लीजिए। ऐसे सबसे पहले आपके लिए एक त्रिभुज याद कर पता होना चाहिए, ट्राइंगल। ये यहां पर ये समकोण है, राइट एंगल है, ये कभी भी गलत नहीं होता। राइट मतलब सही। ये समकोण है यहां पर, इसकी जो वैल्यू देखें ये कितने डिग्री का आती है? 90 डिग्री। इसके सामने 90 डिग्री की सामने वाली भुजा होगी, वो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और यहाँ पर जो एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? न्यून कोण। इसको थीटा मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? इसको थीटा। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी? लंब होगी। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और एक और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, आप समझिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा? 90 माइनस के क्या हो जाएगा? थीटा। क्या होगा? 90 माइनस। ऐसे मान के चलिए ये 30 डिग्री का है, ये वाला है कोण, तो ये किस कितने का हो जाएगा? 90 माइनस 30, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो ये 60 का हो जाएगा। एक 60 का है, एक 30 का है, एक 90 का है, तीनों को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। क्लियर? और इसके जो ये वाली भुजा होगी, साइड होगी, वो क्या होगी? आधार होगा। और इसको इंग्लिश में अपन बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। अभी अपन साइन समझ रहे हैं, साइन क्या है आने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपन देखें, ऐसे मान के चलिए ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। यहाँ पर ऐसे मैंने लिख दिया क्या? लंब बटे कर्ण। क्या लिख दिया? लंब बटे कर्ण, ये लिख दिया मैंने। अब लंब बटे कर्ण को दर्शाने के लिए एक प्रकार से चिन्ह आ गया, सिंबल आया, और उसको हमने क्या बोल दिया? साइन बोल दिया। क्या बोल दिया? साइन। अब इसी तरीके से अपन देखते हैं, अब साइन के साथ और भी होगा। ऐसे मैंने लंब बटे कर्ण किया तो इसको अपन किससे डिनोट करेंगे? साइन से। एक और ले सकते हैं अपन, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण ये है, इसको दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? कॉस का जाएगा। एक प्रकार से ये क्या है? सिंबल है। और ये अपॉन में लिखा है, अपॉन को अपन इस तरीके से रेशो में भी लिख सकते हैं। लंब रेशो क्या? कर्ण लिख सकते हैं ना। तो
तो ये रेशो को या वटे में दर्शाने के लिए एक सिंबल बनाया और इसके नाम इस तरीके से लिख दिए। क्लियर, ये साइन की यहाँ से उत्पत्ति होती है। अब अपन पढ़ेंगे पूरे के पूरे, देखना। यहाँ पर एक ट्रिक रहेगी आपको पूरा याद करने के लिए, लाल वटे कक्का। एल का मतलब लंब है, ए का मतलब क्या है आधार, और के का मतलब हर्ड। अब इंग्लिश मीडियम में क्या है, सुना हुआ आपने क्या, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर बोले। अच्छा, इसको यही बोल सकते, तो और कुछ ही बोल सकते, क्या बोल सकते, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी का मतलब क्या, वो परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेनस। यहाँ पर क्या रहेगा, साइन, ये कॉस और ये टेन बन। यहाँ पर क्या रहेगा, कॉसेक, ये सेक और ये कॉट आ जाएगा, क्या आएगा कॉट। अब थोड़ा समझने वाली बात है, देखो रटना नहीं है, पहली बात तो जी है, कॉन्सेप्ट क्लियर इस तरीके से कर देंगे, बस ये याद है तो आपको यहाँ से लगभग 15-20 फॉर्मूला याद करवाने की, बिल्कुल याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर यहाँ तक कोई दिक्कत, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट। अब देखना क्या होता है, ऐसे यहाँ पर क्या लिखा है, साइन लिखा है सबसे ऊपर, कॉस लिखा है और टेन लिखा है, लिखा है। अगर मैं इसके अपॉन में वन लिख दूँ, ऐसे वन अपॉन साइन। अभी देखो मैंने यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं लिया, थीटा भी ले सकते हैं अपन, ए भी ले सकते हैं, ऐसे अकेले साइन ही आने वाले, या तो साइन के साथ क्या जाएगा, थीटा आ जाए, है ना, अल्फा आ जाए इस तरीके से, ये बीटा जो भी कुछ है वो आ सकता है, ठीक है। और इसके अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर वन लिख दिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन। तो इसके जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इसके नीचे, जस्ट नीचे वाली आएगी, तो वन अपॉन साइन बराबर क्या हो जाएगा, ये कहाँ से पता कर लिया अपन, देखो याद नहीं करना, आपको जो मैं मेथड समझा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो अच्छे से क्लियर करिए। आज मैंने ये साइन देखा, साइन के ऊपर एक लिखा तो वन अपॉन साइन, इसके अपॉन में नीचे क्या लिख रहा है, कॉस है, तो वन अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो लिखिए। तो वन अपॉन साइन ए या थीटा बराबर क्या होगा, कॉस एक ए या थीटा। ऐसे ही अगर अपन किसके कॉस के में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेक, और वन अपॉन टेन बराबर क्या हो जाएगा, थीटा लगा देते हैं ना सबके साथ, लीजिए। अब देखिए ये तीन, इसके बाद देखिए जब अपन ऐसा किया, ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर सर इसके ऊपर एक लिख दें तो वन अपॉन कॉस एक ए हो जाएगा, जब ऊपर वाले के बटे में एक लिखा तो नीचे वाला मिला, नीचे वाले के ऊपर एक लिखेंगे तो ऊपर वाला मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस एक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन। अच्छा यहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, ऐसा इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर वन अपॉन कॉस थीटा बराबर नहीं, ये हुआ है। एक फॉर्मूला और बन सकता है, क्या होगा देखो, ये दोनों का इंटू कर दें, देखिए क्या जाएगा, साइन थीटा यहाँ पर पहले से ही लिखा है, इंटू में क्या लिख दिया, कॉस एक थीटा, तो बराबर में कितना जाएगा, ये हुआ। ये यूज करेंगे अपन आगे चल के, पहले समझिए आखिर है क्या, इतने सारे फॉर्मूले इसमें देंगे कि याद अगर आपने करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप त्रिकोण में इतनी याद करके कभी आप सीख सकते हो, भूलने के 100% चांस। इसलिए जितने भी फॉर्मूले हम अपन बनाना सीखेंगे, याद तो करना ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों का भी इंटू करें, क्या जाएगा, कॉस थीटा इंटू में
सेक थीटा बराबर वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर कितना वन, ये होते हैं कुछ फॉर्मूले और देखिए, दो फॉर्मूले और देखना। जब अपन साइन के बटे में क्या लिख देंगे कॉस लिख देंगे तो कौन मिल जाएगा टेन मिलेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साइन थीटा बटे क्या कॉस थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा। इसका अपोजिट करिए, कॉस को ऊपर कर दीजिए साइन को नीचे, तो टेन का उल्टा होगा कि नहीं होगा, टेन का उल्टा कौन होता है कॉट, कॉट थीटा। इस तरीके से अपन फॉर्मूले बनाने वाले हैं। इस में आपको डाउट हो कि साइन कैसे आया कॉसेक कैसे आया, लिखना है आपको, अब यहाँ पर क्या आता है ये थीटा आता है, थीटा का मान या तो डिग्री में आएगा या किस में आएगा, किस में आता है रेडियन, या तो रेडियन हम निकालेंगे, कोण को किस में नापते हैं या तो थीटा में डिग्री सेल्सियस डिग्री में सॉरी डिग्री में या फिर रेडियन। अब अपन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन से डिग्री, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है इसमें क्या 75 डिग्री बराबर कितने रेडियन होता है। रेडियन को अपन सी से डिनोट भी कर सकते हैं और आर डी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा डिग्री माप रेडियन का करना है ना, क्या लिखेंगे रेडियन माप बराबर कितना पाई अपॉन 180 इंटू में क्या रहेगा डिग्री माप, डिग्री माप ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, क्या है ये रेडियन माप की वैल्यू निकालना हो या डिग्री माप की, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा ये वाला, या फिर रेडियन को आर लिख सकते हैं इस तरीके से पाई अपॉन 180, डिग्री को ऐसे डिग्री सी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट रूप। आ गया आंसर, कितना आया यहाँ पर रेडियन माप वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू कहाँ पुट करेंगे यहाँ पर पाई अपॉन 180, देखिए पाई बटे कितना जाएगा 180 इंटू में वैल्यू किसकी दे रखी है डिग्री कितनी है 20, बस कट हो जाएगा ये 15 से कट जाएगा कितना बार 5 बार 5 पाई, ये भी कितना हो जाएगा 15 × 3 = 30 ये आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन 5π/12 ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर। देखिए बस आपको देखो अगर मान के चलिए वो यहाँ पर रेडियन माप दे देता तो अपन बस क्या करते यहाँ पर वैल्यू रख देते 180 के इंटू इधर कर देते पाई को अपन में लिख देते ठीक है। आप सोच रहे होंगे आगे करूं इसको, आप सोच रहे सर ने इतने कम फॉर्मूले लिखवाए जबकि त्रिकोणमिति में फॉर्मूलों को बिल्कुल भाई इतने हैं कि मैं दो दिन भी अगर आपको फॉर्मूले भी लिखवाऊँ ना तब भी कम पड़ जाए, फिर अपन हर दिन 15 या 20 फॉर्मूले रोज समझा करेंगे, इससे आराम आराम से आपके पास फॉर्मूले पहुँचते रहें और आपको समझ में आता रहे। आ गया होगा
क्या होता है भाई? पाई बटे कितना? 180 इंटू में क्या? डिग्री सेल्सियस। ये जीरो से जीरो क्रॉस हो जाएगी, ये दो बार 2π हो जाएगा, ये 9 बार कितना आएगा? 2π/9। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ये किसका नहीं आया? आ गया, सभी गया ना। देखिए क्या करना है बस इसमें, यही देखिए भाई, पाई अपॉन कितना 180 इंटू किसका करना है? 15 से कट जाएगा, 45 से। हाँ भाई, 45 से भी काट सकते हैं, 15 से, 9 से, 3 से, जो आपको सुविधा पड़े उससे काट दीजिए, है ना। ये 9 बार में चला जाएगा और ये कितनी बार में? 3 बार, 12। 3 से फिर काट देंगे 3 बार और ये 4। 45 से काटते तो डायरेक्ट 3 बार कट जाते हैं, 3π/4। अब इसमें ऑप्शन देने की जरूरत थी क्या आपको? इसलिए ऑप्शन नहीं दिए, क्या आपके आंसर आना ही है? जिसमें जरूरत है वो आगे ऑप्शन वाले भी आएंगे, आप करके बताना फिर। देखिए ये लो, इसमें रेडियन की वैल्यू दे रखी है, डिग्री माप ज्ञात करना है, फॉर्मूला ही चाहिए इसका। देखो इसमें पाई बटे कितना किया था? 180 किया था, उल्टा करना हो तो इसमें क्या हो जाएगा? 180/π। आ गया, बिल्कुल। देखिए अभी अपन ने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ पर क्या था? रेडियन माप बराबर ये था, पाई बटे 180 इंटू में डिग्री सेल्सियस, डिग्री में माप, डिग्री के लिए देखो अब इसका इंटू कर देंगे इधर, आर इंटू में क्या हो जाएगा? 180/π। आर का मतलब रेडियन वाली वैल्यू, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना 180/ क्या हो जाएगा? पाई। तो इंटू किसका करेंगे इसमें? 180/π, वो वैल्यू क्या है? ये कितनी है यहाँ पर? 2π/3। ये वैल्यू किस में निकल कर आएगी? रेडियन, सॉरी डिग्री सेल्सियस, डिग्री में। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 3 से ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 किसका आया? सभी का आ गया हुआ है ना, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, कितनी सरल है देखो। ये लो, एक सौ पचास किसका नहीं आया? देखिए भाई यहाँ पर क्या आएगा, 180 अपॉन में क्या करना है? पाई इंटू में कितना हो जाएगा? 5π/6। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, कितना इंटू करेंगे कितना जाएगा? 150। ये आंसर है। करिए देखो यहाँ पर न्यून कोण लिखा है, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। कितना?
थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन वो ही है, और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा है और आ गया होगा, हो ही नहीं सकता ऐसा, अभी समझा के ही गया हूँ। फिर कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। पहले तो ये रेडियन की वैल्यू है, डिग्री में चेंज करेंगे तो डिग्री में चेंज करने के लिए दो न्यून कोणों का डिफरेंस पूछ रहा है, और न्यून कोण कहाँ होते हैं देखिए, यहाँ पर यही बताया था, यहाँ पर 90 होगा। देखो ये दो एंगल बनते हैं, ये मान कोई भी मान के चलिए, ये दोनों को अगर अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे कोई भी एंगल मान के चलो, मान के चलिए ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये तो 90 फिक्स है। ये दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमारे लिए पता है त्रिभुज के ये तीन कोण होंगे, तीनों एंगल को अपन प्लस करेंगे तो 180 आने चाहिए। जब 190 हो गया ये वाला, तो ये दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 90 से ज़्यादा कर सकते हैं, फिर तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये दोनों का योग हमारे लिए पता कितना है, 90 है कि नहीं। एक बात और बोला, ये इनका अंतर डिफरेंस, ओ मिस्टेक हुआ, कितना रहेगा, और यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, अंतर, अंतर मतलब ये डिफरेंस यही होता है, इतने रेडियन में दे रखा है, और ये वैल्यू किस में आएगी, डिग्री में, तो इनका वैल्यू किस में, डिग्री में चेंज करें, 3π/3 है, ये कैसे हो सकता भाई, चलो अब करते हैं, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये मिस्टेक हुई यार, क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, फिर तो 180 ज़्यादा हो जाएगा यार, 180 कैसे किसी हालत में नहीं हो सकता, यहाँ पर 3π/10 है, ये है, ये क्लियर, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देना, ये क्या लिखेंगे, 3π/10 इंटू में पाई से पाई चली जाएगी, और ये जीरो कितना जाएगा, 1 डिग्री, ये हो सकता है, तो ये यहाँ पर देखो ये कितना जाएगा, 1, ये भी बी करना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस देखो, प्लस कर रहे थे 90 आएगा, और ये क्वेश्चन बोला है कि इनका ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3π/10 रेडियन में दे रखी थी वैल्यू, किसमें थी, रेडियन में, अपन ने इसमें किस में चेंज करें, डिग्री में, अब ये आ गए डिग्री, ये दोनों को प्लस करें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस करिए 4, क्लियर, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2/2 कितना जाएगा, 72, ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू देखो यहाँ पर रखते हैं, ये देखो बी बराबर क्या होगा, 90 माइनस का ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 72, कितना जाएगा बी की वैल्यू, 18, क्लियर, तो दोनों एंगल कितने आए, 172 है, 118। अब के सर आपने गलत किया है, सही किया, इनका डिफरेंस देखोगे ना ये आएगा, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा, पूरा होगा, कॉन्सेप्ट था कि नहीं, ये तो मैंने समझाया था ना आपको, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3, और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, आ गया इतने जल्दी, यहाँ पर देखिए ये, और आप लाल बटे का काम है, यहाँ पर tan देखें तो यहाँ आता है 10,
और टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, मतलब ये लंब है और ये आधार परपेंडिकुलर बेस। तो यहाँ पर लंब कितना है 4, आधार कितना है ये 90 डिग्री, और वैल्यू हमारी इस वाली भुजा का कर्ण का याद करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब ये 4 के स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 5। अब वैल्यू किसकी फाइंड करना है, कॉस की, देखिए कॉस कॉस यहीं आता है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार की वैल्यू कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू 5, ये आंसर है। नेक्स्ट करें, कॉट को छोड़कर अन्य सारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ये साइन कॉस टेन इनको फाइंड करना। आ गया हुआ, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इनटू में ये है, इनटू वाली संख्या कहाँ पहुँचती है डिवाइड में, 8/15 हो जाएगा। देख क्या आएगा ये देख, अब यहाँ पर पहले टेन दिया था, कॉर्ड कहाँ आता है यहाँ पर देखो, ये लिखना पड़ेगा आपको, कॉर्ड यहाँ आता है ये, इसका मतलब कि आधार बटे लंब, और आधार की वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है, कर्ण की वैल्यू फाइंड करना है, कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का वर्ग करके स्क्वायर करके प्लस कर देना है, इसका कितना होता है 64, इसका कितना होगा 225, प्लस करिए 289, एक इसका होता है 17 का, क्लियर, या फिर आप रूट के अंदर ले लीजिए डायरेक्ट इस तरीके से। बस आपके लिए ये निकालना है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है, साइन की भी कॉस और टेन, यहाँ पर कॉस एक और सेक कॉर्ड की दे रखा है। देखो अगर ये टेन की पूछता किसकी, टेन पहली बात तो पूछेगा ही नहीं, पूछे तो बहुत खुश हो जाना, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे कॉर्ड की वैल्यू ये है तो टेन इसका उल्टा होगा, कितना जाएगा 15/8। अब क्या दे रखा है, साइन की निकालने के लिए, साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर क्या है 15, ये साइन बराबर कर्ण कितना है 17, इसका अपोजिट कौन होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक को क्या लिखेंगे 17/17, ये आ गया। कॉस की देखिए, कॉस की वैल्यू क्या आधार बटे कर, तो यहाँ पर देखिए कॉस लिखते हैं, आधार की वैल्यू कितनी है बेस ये है, हाँ हाइपोटेनस कितना आएगा, और इससे सेक की निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 17/17, क्लियर। इस तरीके से वैल्यू फाइंड करने, चारों की नहीं पूछने वाला, किसी एक की पूछेगा, निकालता के निकालते कैसे हैं इसलिए आपके लिए बताना पड़ा इतना सारा, क्लियर। इसमें डाउट आ रहा हो उतारना आपको, ये आपको उतारना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये ए है, ये सी है,
राइट एंगल इसमें क्या दे रखा है, बी है, राइट एंगल फिक्स कर दिया, समकोण कितना है बी है, बाकी आप ए और सी कहीं भी मान सकते हैं, राइट एंगल। देखिए वैल्यू दोनों साइन की हैं, यहाँ पर डिफरेंस किसका आएगा, इस एक्यूट एंगल का, ए और सी का। क्या मान परिवर्तित होंगे कि एक जैसा आएगा, एक जैसा आएगा, और एक जैसा आता तो फिर मैं यहाँ सी और एक थोड़ी देते, कुछ भी दे सकते हैं, आगे होंगे। देखिए यही है, यहाँ पर राइट एंगल भी फिक्स है, ये आप यहाँ मान सकते हैं, तो यहाँ मान लीजिए, ऐसे ही कर पाएंगे। हो सकता है कोई ऐसा कर रहा हो, बी यहाँ मान रहा, ये तो फिक्स है, और यहाँ पर ये मान ले यहाँ सी, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अपन यहाँ पर ए को ए न्यून कोण मान के चलना है, क्या एक्यूट एंगल क्या मान लिया ए, और इसमें क्या है सी, अगर इससे करेंगे तो इसकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएंगी, और इस वाले से करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी। और अपन दो त्रिभुज बना के करेंगे, क्या करना तो एक से ही है, देखिए दोनों से भी और एक से भी, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, और यहाँ पर देखें तो यहाँ जाएगा 24। इसका मतलब क्या है, एक्यूट एंगल के जस्ट जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर ये आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बेस है, आधार है। समझ में आया कि नहीं आया? अब और क्या दे रहा, बी सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7, ये 7, इसका कितना स्क्वायर होता है 576, 7 का कितना हुआ 49, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 625, तो ये किसके स्क्वायर रूट होता है 25 का, ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 25। ये तो फिक्स है भाई, जो पर हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, वो हमेशा फिक्स है, वो अपनी जगह हो सकता है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। अगर आप देखिए ये त्रिभुज को नहीं बनाते आप, इस एंगल ट्राइंगल को नहीं बनाते आप, इससे वैल्यू फाइंड करें, देखो इससे ए की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएंगी, ए की वैल्यू ये वाली। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता, लंब की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, कर्ण की ये 7/2। अब वैल्यू क्या निकालना है, साइन सी की, किसकी निकालना है, तो सी, अब इसको एक्यूट एंगल मानना है अपन, किसको मानेंगे, ये एक्यूट एंगल न्यून कोण, और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या हो गया लंब, अब लंब ये हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू ये। समझ में आया, देखो ए और सी से ये वैल्यू बदल गई, ए से किया, ए को न्यून कोण के कोण मान के करे तो क्या आया 7/25, सी को माना, ये क्यों हो रहा है, एक्यूट एंगल क्या माना है ना, न्यून कोण क्या माना, इसमें कन्फ्यूजन। देखिए अगर इससे निकालोगे सी की वैल्यू करेक्ट निकल कर आएगी, इससे निकाल, ये देखो ये सी है, यहाँ पर एक्यूट एंगल ये मान के चला, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट आ रहा है, इसमें लंब यही है कि नहीं 24, और इससे किया, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की वाली बात ये है कि एक्यूट एंगल के सामने होता है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, राइट एंगल के सामने होता है वो हाइपोटेनस कर्ण ही होगा, और बाकी ये वजह बचेगी वो आपका बेस हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है 24/1, इसमें आधार क्या जाएगा 7/25, ये लीजिए, ये समझ में आ गए एक्यूट एंगल क्या रहते हैं, ये न्यून कोण, इसमें मिस्टेक नहीं कर देना, यहाँ पर दे दे और आप कुछ और कर, यहाँ उतारिए भाई, हो गया।
नेक्स्ट करें, ये है ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा आपके लिए, और यहाँ पर ये थीटा वैल्यू फिक्स है। टेन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू ये और आधार की वैल्यू ये है। चार के स्क्वायर कितना होगा? 16, तीन के स्क्वायर 9, कितना हो जाता है? 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए वैल्यू किसकी लिखना, 1 साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण, लंब कितना यहाँ पर 4, कर्ण कितना है 5, 4/5। तो यहाँ पर 1+4/5 यही रहेगा। 5×1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस के 4/5 रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5+4/5, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1/9। ये आंसर है। किसका सही था? ईमानदारी से आप खड़े करना है, ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हो, काफी अच्छी बात। नेक्स्ट करें, उतारना है, उतारिए आराम से। टेन दे रखा है यहाँ पर, किया क्या अभी? 4/3 था, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, करंट तो वही निकल कर आएगा। टेन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, परपेंडिकुलर और बेस 3/3, यहाँ पर कितना आएगा? क्लियर? अभी निकाला ना, इसके स्क्वायर करेंगे 9, इसका प्लस करेंगे 20, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। अब यहाँ पर क्या है? साइन ए और कॉस ए, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है? 3/5। और इसकी एक और क्या होती है? आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 4 है, कर्ण की वैल्यू 5, इंटू करेंगे कितना जाएगा? 12/5। अब इसकी डिटेल चाहिए क्या ये बताओ पहले, तो नहीं समझ में ना आ रहे हो आप, डाउट पूछने से थोड़ी दिक्कत हो रही हो, अगर हमने ऐसा पूछ लिया तो इंसर्ट हो जाएगी, बच्चे हंसेंगे, ये कभी नहीं सोचना। और आपको इसमें ये डायरेक्ट 5 कैसे लिख दिया मैंने, ये आप चाहो तो सॉल्व करवा लीजिए, या फिर आ रहा है ना सभी को, ना आ रहा हो तो बोल दीजिए, आराम से सारा कर दो, मैं समझ जाऊँगा। क्लियर? डिटेल चाहिए क्या इसकी? डिटेल क्या होगा? बस कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कर्ण का स्कोर वाला लंब प्लस आधा, होना यही है, इसका स्कोर 9 ही आएगा, इसका 16 ही आएगा, प्लस करेंगे 25 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये दे रहा है, ओ भाई दिमाग लगाओगे तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा लगाना बस 1 ग्राम, बाकी आप सेव करके रखो आगे के लिए। अब देखिए इसमें ऐसा क्या करें कि अपने लिए इसका अपन कुछ नहीं बन मान सकते हैं, ऐसे ही क्या होगा आपने, ये भी ना करना पड़े और सवाल भी हो जाए, इससे क्या होगा आपने, तो इसमें पूरी स्टेप में थोड़ा सा देखिए, मैं इसको 10 बनाने की कोशिश करता हूँ,
क्या बनाऊंगा, बन जाएगा। बस एक बात बोलती है आप समझे, टेन बनाएंगे सर। कैसे टेन बनाएंगे, अगर हमने पढ़ा है टेन की वैल्यू क्या होती है, हाँ साइन अपॉन कॉस। सर एक बात समझ में आ रही, यहाँ पर साइन तो है लेकिन कमी किसकी अपॉन में कॉस। सर ने क्या किया, सभी के बटे में कॉस से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस का थ्री, ये क्या होगा कॉस ए अपॉन कॉस ए। ये देखो यहाँ पर क्या है, वो फाइव इंटू में साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस टू इंटू में कॉस ए अपॉन कॉस। ये देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए अपॉन कॉस से बराबर तो क्या होता भाई टेन होता है, तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर क्या आएगी, फाइव इंटू में क्या टेन ए, माइनस का कितना रहेगा थ्री, और यहाँ पर क्या है फाइव इंटू में टेन ए प्लस का कितना टू। देखिए टेन ए की वैल्यू तो पहले से दे रखी है, कितनी है चार, तो यहाँ पर वैल्यू क्या टेन ए के स्थान पे चार पुट करेंगे सर, यहाँ पर भी चार इंटू में इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे कितना हो जाएगा बीस माइनस के तीन, यहाँ पर इंटू करेंगे कितना हो जाएगा बीस प्लस के, यहाँ पर कितना जाएगा ये कम करो ये जोड़ दो, यही आया था क्या आंसर। अब तुम सोचो सर भाग कैसे देंगे, अब एक बार भाग दे दिया ना तो अब समझ में आया कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी अपन लग, और उससे करें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के, उससे भी आ जाएगा भाई ये क्या होता है, इसका आधार बटे लंब बटे आधार, ये इस तरीके से यहाँ पर कितना जाएगा रूट सेवन, वैल्यू रखिए आंसर आएगा यही आएगा, ये आंसर एक सवाल के दो कभी नहीं हो सकते, अरे ऐसा होता तो फिर क्या मैथ दो आंसर नहीं आते फिर क्या। आ गया ये कॉन्सेप्ट, ऐसा भी कर सकते हैं भाई, इससे आप घर पे करके देखना आएगा गारंटी इस बार। नेक्स्ट करें जो आज मैंने स्टार्टिंग में समझाया था उससे बाहर नहीं पढ़ा है कुछ भी, पर ऐसा हर दिन चलेगा। आ गया होगा देखो, अब इसमें भी अपन कॉट ही बना सकते हैं, कैसे बनेगा कॉट, इसके लिए तो कॉस के अपॉन में क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए, कॉस ए बटे यही होता है, तो यहाँ पर कॉस तो दे रखा है ना, जरूरत किसकी अपॉन में, सब में साइन से डिवाइड कर दें। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पर भी सर साइन लिखेंगे, यहाँ पर भी साइन लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे साइन, ये साइन ये ए, ये साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा वन माइनस, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन बराबर क्या होता है कॉट ए, ये वन प्लस यहाँ पर भी क्या होगा कॉट ए की वैल्यू दे रखिए कितनी है वन माइनस के थ्री अपॉन फोर, यहाँ पर भी वन प्लस के क्या थ्री अपॉन फोर, क्या हो जाएगा चार के इंटू इधर करेंगे कितना जाएगा वन, सॉरी फोर आएगा, फोर में से थ्री को घटाएंगे कितना बचेगा वन अपॉन फोर, इसका इंटू करेंगे चार, तीन प्लस करेंगे कितना सात अपॉन कितना फोर, ये कैंसिल हो जाएगा निकल कर क्या आएगा वन अपॉन सेवन। आप अगर इस तरीके से कर रहे हो ट्राइंगल बनाकर ये वाली हो जा बना, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा।
तो एक क्वेश्चन को अपन दो टाइप से करके देख रहे हैं, है ना। इसमें कई तरीके हो सकते हैं, जो भी लॉजिक लग जाओ आ जाए आंसर। नेक्स्ट करें, देखिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस। कॉट को कॉस बना सकते हैं, बन तो जाएगा, लेकिन उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन की भी चलेगी, है ना। तो इसको इसी भी मेथड से करते हैं। ये देखिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 4 है, कर्ण की वैल्यू 5। लंब की निकालना है, इसमें प्लस मत कर देना। इसमें क्या करेंगे, ये जब ये वाली भुजा हाइपोटेनस कर्ण दी हो, या ये दे रखी हो, या दो में से कोई एक देगी, तो ये दोनों में से जो भी फाइंड करना उसके लिए इसमें से क्या करना है, कम करना है। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25। 4 के स्क्वायर 16। सर अभी तक आप प्लस कर रहे थे, माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि आपके लिए क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब के लिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का क्या, आधार। अगर आपको आधार भी निकालना होता ना, तो यहाँ पर क्या कर ले करते, लंब का स्क्वायर माइनस कर। इतना ध्यान रखना, जब कर्ण वाली भुजा दे रखी हो और लंब या आधार में से कोई एक भुजा ज्ञात करना, तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। कम करिए कितना जाएगा, 9। और ये किसके स्क्वायर रूट होता है, 3 का। यहाँ पर ऐसे लगा लेना, ये 3000। अब वैल्यू किसकी फाइंड करना है, कॉट। कॉट का क्या होता है, क्या, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी आई, 4। लंब की वैल्यू, ये आ रहा है ना सभी। एक क्वेश्चन और करिए, ऑप्शन इसमें लगाइए थोड़ी सी बुद्धि। तो इस सवाल को करने के लिए दो मेथड हो सकती हैं, तरीके दो, और इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने क्या किया, ये ट्रायंगल वाला, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये है। क्लियर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे कर्ण का, इसमें से इस स्क्वायर को क्या कर देंगे, कम। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, बेस की, तो इस पर आप क्या निकाल देते, स्क्वायर रूट निकालते थे कि नहीं निकालते थे, तो ये आधार की वैल्यू ही आ जाएगी। क्लियर, अब इसमें अपन किसकी निकालना है, कॉस का, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और कर्ण क्या है, बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, और ये सही है। एक और तरीका है इसके लिए, लेकिन उसके लिए आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, सर्वसमी का पता होना चाहिए, वो क्या है, लिख सकते हैं अपन ऐसे अलग से ही, देख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, अपन होता है कि नहीं, ये बनी क्यों होता है, ये इसके ऊपर अपन प्रूफ करके कल देखेंगे। बाकी आज आप समझिए कि इस सवाल को इस आइडेंटिटी से कैसे करना है। इससे भी अपन बहुत सारे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, आप सिर्फ एक ये याद कर लेना। अब इससे देखो कितने सारे फॉर्मूले बनाते हैं, क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर ऐसा कैसा, भाई ये कॉस होने लगा यहाँ पर बैठा बैठा बोरिंग, तो इसकी साइड लाइन किसका हो जाएगा, ये
एक फॉर्मूला ये बनकर आएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, वन माइनस के। अच्छा एक बात समझ में आ रही होगी, इस साइड से अगर अपन पावर ये स्क्वायर इसको हटा देंगे तो सामने वाला रूट जाता है, रूट जाने का मतलब ये रूट आ गया, क्लियर। ऐसी जिस तरीके से अपन ने कॉस की साइड लाए, अब किसको ला सकते हैं, साइन को लाइए। देखियो वन माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये और इस साइड से पावर इसको हटाएंगे क्या जाएगा, वन माइनस के साइन स्क्वायर, यही होता है। अब आप देख रहे होंगे सर ये वैल्यू आई है, एक सर्वसमिका से इतनी वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब थोड़ा देखना सवाल क्या था, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, ए अपॉन बी, वैल्यू किसकी फाइंड करना है, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा के देखो यहाँ पर ए है, थीटा लिख देंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर वन माइनस का क्या साइन स्क्वायर ए, और साइन की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, ए अपॉन बी क्या है, देखो ये ए अपॉन क्या है वी, तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन के स्थान पे क्या आने वाला है, ए अपॉन, लेकिन यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो ए अपॉन बी का भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, मतलब ए का भी स्क्वायर आ जाएगा बी का भी आएगा, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे साइन की वैल्यू क्या थी, ए अपॉन बी, साइन का स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, क्या आएगा वन माइनस का ए स्क्वायर अपॉन इंटू, इधर करेंगे क्या जाएगा वी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये है। देखो ये तो स्क्वायर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी इंटू बी, ये तो भाई बी का पेयर बन गया, पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर, यहाँ पर क्या आएगा वी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन बी, यही था क्या आंसर। तो ए भी कॉन्सेप्ट लग सकता था, अपन ने वो लगाया अच्छी बात, बाकी फिर अपनी अगली क्लास रहेगी।